हेलो फ्रेंड्स, मैं शफी अहमद अकाउंटेंट और हमारे यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही दी अकाउंट्स है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अकाउंट्स, टैक्सेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से संबंधित मैं आप लोगों से शेयर में करूँगा। वैसे आज का हमारा टॉपिक एक्सेल है, और वो एक्सेल इसलिए है दोस्तों कि हम अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है लेकिन हमें अगर एक्सेल नहीं अगर आता है तो फिर हमें किसी भी ऑफिस में काम करने में बहुत सारी परेशानियां होती है। लगभग सारा डाटा वर्क बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें एक्सेल में ही मेंटेन करना होता है। रिटर्न फाइल अगर हमें करना होता है तो वो भी एक्सेल बेस होता है। मैं एक्सेल बिल्कुल सोर्स में शुरू करूँगा, तो मेरा निवेदन है कि जितने भी व्यूवर्स इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं आप लोगों से मैं टेक्निकल और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं एमएस एक्सेल। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, तो ये हमें मिलेगा कहाँ। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर विंडो का स्टार्ट बटन है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमको जाना है ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स को जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ये जो स्क्रॉल बटन है, इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पर है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिख रहा है, या फिर आपको एक्सेस पे काम करना हो, या फिर आपको किसी और भी एक्सेल का जो कि पार्ट है, पावर पॉइंट है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, वो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। तो फिलहाल अभी हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, मैक्सिमाइज़ कर दें, तो यहाँ पर हमें ये एक्सेल का ये शीट यहाँ पर ओपन हो जाता है। अगर फिर हमें अगर दोबारा जाना हो तो फिर हमें यहाँ पर भी जाना पड़ सकता है, या फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बतला देता हूँ। पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। क्या होता ना है कि हमें एमएस एक्सेल पर बार बार अगर काम करना हो, बार बार अगर न्यू शीट हमें अगर बनाना होता है, तो हमें बार बार यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पर जाना होगा, फिर हमें ऑल प्रोग्राम्स को जाकर उसे चूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बना देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी तरीके से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ये देखिए यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ठहर के एक बातें सुने कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। आप जानते हैं कि हमारे माउस में दो क्लिक होता है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, और बीच में स्क्रॉल रहता है। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पे, ताकि हमें बार बार यहाँ पर इससे आ करके ओपन ना करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, इसी पर रह करके हम राइट माउस क्लिक करेंगे। देखिए ये राइट माउस हमने क्लिक किया। राइट माउस क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो गया, ये बॉक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जाना है सेंड टू में। ये सेंड टू में जाते हैं। सेंड टू में जाने के बाद देख रहे हैं कि ये राइट एरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुले हैं। तो उसमें से हमें लेना डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट माउस क्लिक कर देंगे, क्योंकि लेफ़्ट माउस क्लिक का माने होता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना, और राइट माउस क्लिक का माने होता है कि जिस चीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑप्शन को ओपन करना। तो ये डेस्कटॉप जो क्रिएट शॉर्टकट, इस पर आप लेफ़्ट माउस क्लिक कर दें। ये मैंने जब क्लिक किया, आप देखेंगे डेस्कटॉप पर अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का शॉर्टकट आ गया। अब हमें बार बार विंडो के स्टार्ट बटन से एक्सेल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसको ओपन करते हैं, इसको दो बार क्लिक कर देंगे हम। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमें ये सेल हमें दिख रहा है, इसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम लोग अपने मादरी जबान में कोई खाना भी कहता है, कोई इसे बॉक्स भी कहता है। जिस तरीके ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं एक्सेल में, इसे सेल कहते हैं, CELL सेल। याद रखेंगे एक्सेल के माने बैटरी भी होता है, तो यहाँ पर इसका माने बैटरी नहीं है, यहाँ पर इसका माने यहाँ पर सेल है। सेल का माने खाना, या जिसको हम एक्सेल में बॉक्स भी हम कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं,
ये ए बी सी डी ई, आप देखें मैं जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ये आपका ई है, ये एफ है, ये जी है, ये आपका कॉलम कहलाता है एक्सेल का, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। और ये जो है दोस्तों ये आपका रो कहलाता है, ये जो आपको नंबर्स में दिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ये आपका पूरा रो आपका कहलाता है, ये आपका कॉलम कहलाता है। और ये जो मैंने बताया ये जो आपका ये बॉक्स जो दिख रहा है इसको हम लोग एक्सेल में सेल कहते हैं। अब क्या है, आप देखें कि ये हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, ये माउस आप देख रहे हैं कि मैं इसको राउंड राउंड में कर रहा हूँ, तो हमारा ये हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं कुछ अगर कोई भी डेटा अगर मैं एम एस एक्सेल में डालता हूँ तो वो ऑफकोर्स ये यहाँ पर लिखाएगा। क्यों लिखाएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह के मैंने अपना ही नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया शफ़ी, अब आप देखेंगे जबकि हमारा माउस का कर्सर यहाँ पे है, लेकिन जब मैंने कोई वर्ड या डेटा या कोई नंबर्स मैंने यहाँ पे जब इंटर किया है तो वो ये यहाँ पर लिखाया। क्यों? क्योंकि जिस सेल में हमें लिखना होता है वो हमारा सेल एक्टिवेट हो जाता। ये जो आप जो ब्लैक कलर ये जो ब्लिंक कर रहा आप देख रही है, मैं एरोस में आपको करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एक्टिव सेल कहलाता, जहाँ पर जिस सेल में जो भी डेटा हम इंटर करते हैं वो हमारा सेल एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो वहीं पर लिखा था ना करके ये यहाँ पर लिखा है जहाँ पर हमारा माउस ये ब्लिंक कर रहा है, तो वह हमारा सेल एक्टिव हो जाता है। इसलिए इसे ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है इसे हम एक्टिव सेल या सेल पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेल दोस्तों क्या है मैं आपको बता दूँ, सेल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। सेल क्या है, सेल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर भी आप क्लिक करते हैं वो आपका ये जो बार है नेम बॉक्स ये यहाँ पर हमें ये बताता है कि आप सी कॉलम के 8 रो में है ना। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ए कॉलम के 1 रो में। अब देखें, अब दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है, हमसे ये पूछा भी जाता है, मैंने कई इंटरव्यू मैंने फेस किए तो हमसे ये पूछा गया था, आप जिस एम एस एक्सेल पर काम करते हैं उस एक्सेल में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अभी आपको 2007 एक्सेल क्लास में आपको मैं दे रहा हूँ, जबकि इसके बाद ही बहुत सारे अपडेट वर्सन आ चुके हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर मैं 2007 पे अगर सीख रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, अगर हमारे पास अगर 10 आ जाए 12 आ जाए तो क्या मैं उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतने ही कॉलम्स हैं जितने कि 7 में हैं, उसमें उतने ही रोज़ हैं जितना कि इसमें हैं, इसमें उतने ही फार्मूला हैं जितने कि 2007 में। थोड़ा सा फीचर्स को अपडेट किया गया है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप और भी इससे ज़्यादा बेहतर आप उसमें काम कर सकते हैं। टोटल कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको तो नंबर्स यहीं पर दिख रहे हैं 1 और 2। अब आपको ये जानना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो आप ये नीचे आएंगे डाउन एरो से आपके कीबोर्ड में देखेंगे ये 4 एरो होते हैं, अप लेफ्ट राइट एंड डाउन। मैं डाउन एरो से अगर मैं ऐसे आता हूँ तो मैं धीरे 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 मैं जा रहा हूँ नीचे की जानिब। अभी आप देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 180 तक। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा आपका रो होता है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत होते हैं, इसमें 10,48,576 रो होते हैं। कितने होते हैं? 10,48,576, ठीक है ना। अब अगर आपको देखना है तो इसका मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, शॉर्टकट के लिए कि आपको क्या करना है, आप देखेंगे आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल एक बटन दिया हुआ है राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में, इसको कंट्रोल को आपको प्रेस कर देना है, और उसके बाद जो डाउन एरो है आपके कीबोर्ड में वो 4 एरो में से जो डाउन एरो है आपको उसे प्रेस करना है कंट्रोल प्रेस करते हुए। ये देखिए मैंने कंट्रोल दबा और ये मैंने डाउन एरो डाला। अब देखिए यहाँ पर आ रहा 10,48,576 है ना, 10,48,576 ये आपके टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं। ये 2007 से है दोस्तों, क्योंकि 2007 से पहले जितने भी मतलब कि ऑफिस के जो वर्सन थे उसमें इतना नहीं था, तो हमें याद रखना है कि 2007 से लेकर के अब तक जितने भी जो इसमें रोज़ हैं वो 10,48,576 है, अभी इसके आगे बढ़ा नहीं है। अब जैसे कि हमें जहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था हमें वहाँ पे जाना है, अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है, तो इसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस होम। आप देखेंगे आप कीबोर्ड में के लैपी में कहीं ना कहीं आपको राइट साइड में ऊपर में या नीचे में होम बटन करके दिया रहता है, तो कंट्रोल प्लस होम,
ये देखिए मैंने होम डाला तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर आ गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, है ना। और नंबर ऑफ कॉलम दोस्तों ये आपके नंबर्स में नहीं दिए हुए हैं, ये न्यूमरिक में नहीं दिए हुए बल्कि ये अल्फ़ाबेटिकल है। आप देखेंगे ए बी सी करके, तो इस तरीके से काउंट करना काफ़ी मुश्किल है। और ये हमें राइट साइड में जाना होगा, तो ये देखें यहाँ पर आपका ये जेड ख़त्म हो गया, इसका माने कि 26 हो गए यहाँ पर। अब इस तरीके से काउंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसमें काफ़ी आपका समय जा सकता है और हो सकता है कि आप सही आंसर भी ना निकाल पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका मैं बतलाता हूँ कि किस तरीके से जानना है कि इस पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही शॉर्टकट मारेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। अब जो लास्ट कॉलम है इसका देखें आप एक्स एफ डी है, तो ये तो नंबर्स में नहीं है दोस्तों, ये रो में यहाँ पर मालूम पड़ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था 10,48,576, तो हमें मालूम चल गया, यहाँ पर ये मालूम नहीं पड़ रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग पुटअप करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ एक्सेल में कोई भी फार्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो जिस सेल में निकालना है वहाँ पर हमें इक्वल टू या प्लस हमें प्रेस करना होगा। ये अब याद रखें कि कोई भी फार्मूला अगर एक्सेल में हम किसी भी सेल में कहीं पर भी अगर अप्लाई करते हैं तो उस सेल में विदाउट इक्वल टू और विदाउट प्लस के आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर नहीं आएगा। अब जैसे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ये जूम करके मैंने बड़ा कर दिया, और ये मैं बड़ा कैसे कर रहा हूँ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखें ये माइनस का माने क्या होता है, आपका ये शीट छोटा होता है, और ये प्लस का माने क्या होता है, आपका शीट ये बड़ा होता है, जिसको हम जूम इन और जूम आउट कहते हैं। इसी चीज़ को आप स्क्रॉल से भी आप कर सकते हैं बआसानी, यहाँ पर आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है और स्क्रॉल करना, ठीक है। स्क्रॉल को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ा होगा, स्क्रॉल को आप पीछे करेंगे तो ये आपका ये छोटा होगा। ये देखिए मैंने आपके लिए, और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बड़ा कर दिया तो आपके फॉन्ट बड़े हो गए, वो सिर्फ आपके डिस्प्ले के लिए, ताकि हमें काम करने में आसानी हो, हमें बड़ा बड़ा लेटर और टेक्स्ट दिखे। तो अब जैसे कि इस कॉलम में अभी हम लोग हैं एक्स एफ डी, अब हमें ये मालूम करना है कि ये नंबर क्या है कॉलम का, ये कौन सा नंबर है। इसके लिए हमें एक फार्मूला को अप्लाई करना होगा, जिस फार्मूले का नाम है इक्वल टू कॉलम, याद कर लें इक्वल टू कॉलम। कॉलम में है तो इसमें से किसी भी सेल में हम वो फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे करना है, तो देखिए ये मेरा एक्टिव सेल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल टू मारेंगे या प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे सी ओ एल। अब देखें जिस तरीके से हमने टाइप किया तो सी ओ एल से जितने भी जो स्टार्ट यहाँ पर आप के जो फार्मूला है वो यहाँ पर हमारे सामने इंडिकेट हो जाते हैं। अब जैसे कि हमें कॉलम लेना है तो याद रखें ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम है, कॉलम्स नहीं कॉलम। या तो आप इसे सेलेक्ट कर लें दो बार माउस से क्लिक करके, या फिर आपका सेलेक्ट किया आप इस पर टैप मार दें तो हमें पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए मैं यहाँ पर दो बार माउस से क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें इसने पूरे फार्मूले को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर टेक्स्ट या नंबर या फार्मूला कुछ भी अगर सेल में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये आपका ये फार्मूला बार है, जिसको हम लोग फंक्शन बार भी कहते हैं, वो यहाँ पर इंडिकेट कर देता है। आप कुछ भी लिखें दोस्तों। अब यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है जिसका नाम है इक्वल टू कॉलम। अब यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। अब ब्रैकेट बंद करें या ना करें किसी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि हम किस कॉलम में हैं, इसका नंबर क्या है, बस आपको इंटर प्रेस कर देना। ये देखिए जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो हमें ये मालूम पड़ गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं एक्सेल में अभी तक टिल नाउ जितने भी अपडेट वर्सन आए हैं वो 16,384। अब दोस्तों ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये आपका फ्रीज है, कि हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मुताबिक जिस तरीके से आप अपना लेटर टाइप कर रहे हैं या जो भी फॉर्मेट आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये सर जी आप देख रहे हैं इसको हम लोग अपने ज़बान में कॉलम हैंगर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलम का हैंगर है, तो जितने भी आप इसे बड़ा करना चाहें उसको कर सकते हैं, जितना आप छोटा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो आपका रो का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इसे चाहें तो बड़ा कर सकते हैं,
आप इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे ये जो ब्लैंक बॉक्स दिख रहे हैं, ये ब्लैंक सेल दिख रहे हैं, वो बिल्कुल उतने में ही रहेंगे। ये हमें काम करने के लिए दिया गया है कि जिस तरीके से अगर आपको डाटा वर्क करना है या फिर आपको कोई टेबल पर काम करना है तो प्रत्येक सेल पर हम काम कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब जैसे कि अभी हम लोग देखें, मैंने बताया कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अब किस सेल के नंबर पे, ठीक है ना, बी का 4। अब जैसे कि हमें अब अगर मान के चलें कि मुझे 25 नंबर पे जाना था, बी के 25 नंबर पे जाना था, तो इस तरह के स्क्रॉल करके भी हम आ सकते हैं बी का 25 नंबर। अब अगर आप चाहें तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर A3 में आप यहाँ पर टाइप कर दें, यहाँ पर जैसे B25 हमने ये टाइप कर दिया, अगर आप एंटर मारते हैं तो हमारा कर्सर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर ये पहुँच ही जाता। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसको हम लोग फंक्शन बार कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपका फंक्शन बार है या आप इसको फार्मूला बार भी आप इसको कह सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करें किसी भी सेल में, अब जैसे कि मैंने कुछ अपना टाइप किया, जैसे अपना ही नाम हम अगर हम टाइप करते हैं तो शफ़ी अहमद, ये हमने यहाँ पर एंटर मारा तो आपने देखा कि कुछ भी हम टाइप करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बार में वो चीज़ इंडिकेट कर देता है। दूसरी बात दोस्तों कि अगर मान के चलें कि ये हमने लिखा और इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या हमें कुछ इसमें एडिटिंग करना है, तो एडिटिंग करने के लिए या तो आप इस पर इसी तरीके से सिलेक्ट करके आप दो बार इस पर आप क्लिक कर दें, जहां पर भी आपको क्लिक करना है आपको एडिट करना। फॉर एग्जांपल ये जो अहमद का जो पहला वर्ड ए है या शफ़ी का जो पहला वर्ड एस है, आपको इसे कैपिटल में करना था तो पूरे को आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आप दो बार क्लिक कर दें। ये देखिए दो बार मैंने क्लिक किया, आप इसको बैक स्पेस जिसको हम का बैक एरो भी कहते हैं आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है, आप उससे आप क्लिक करें, आप उस पर एक बार प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ एस मारेंगे तो वो आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम इसे भी कर लेंगे क्योंकि देखिए मैं जो आ रहा हूँ ये माउस से नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि आपके कीबोर्ड में राइट एरो लेफ्ट एरो और इस तरह का आपका दिया हुआ, आप यहाँ पर आएंगे तो आप इसको डिलीट कर दें बैक स्पेस से और यहाँ पर शिफ्ट के साथ ए या फिर कैप्स लॉक को ऑन करके भी आप कर सकते हैं। एक तो दोस्तों ये तरीका है, दूसरा क्या है कि हमें इस पर दो बार क्लिक अगर ना करना हो तो फिर यहाँ से भी आप इसमें जो चीज़ चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब शफ़ी की जगह अगर शफीक था मान के चलिए, हमें यहाँ पर के अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर दो बार क्लिक है कर सकते हैं या फिर यहाँ पर फार्मूला बार में जा कर के यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर के डाल दें, या फिर आप दो बार क्लिक नहीं करना चाहते हैं कीबोर्ड से अगर आपको करना है तो फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से जाना होगा अप एरो से और यहाँ पर जा करके F2 प्रेस करना, याद रखें अगर इस पर आप F2 प्रेस करते हैं तो भी ये आपका एडिट ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू व्यू, ये सब जो आपका दिया हुआ है डेवलपर, ये आपका टैब कहलाता है जिसको हम टूल्स भी कह सकते हैं, भाई होम टूल्स है या आपका होम टैब है। तो यहाँ पर ये जो होम टैब है जब इस पर क्लिक करते हैं इसके सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। इसके जो पुराने वर्सन थे 2007 से पहले वो ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर होम था तो उसके वो सारे ऑप्शन उसी के अंदर वो ओपन होते, वो सामने नहीं रहते थे, वो सामने डिस्प्ले नहीं होता था। तो ये अपडेट वर्सन आया है, होम टैब पर हमने ये प्रेस किया तो आप देखें ये हमारा सारा सामने आ गया उसका सारा टूल्स। उसी तरीके से इंसर्ट या पेज लोड पर हम क्लिक करते हैं तो ये हो जाता, कभी कभी ये गायब हो जाता। आप देखेंगे अभी जैसे कि मैंने दो बार इस पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने से क्या हुआ, ये होम टूल्स या कोई भी टैब का वो ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा, तो लोग परेशान हो जाते हैं ऐसा ये कैसे हो गया। जब इस पर क्लिक करते हैं देखें वो वापस आ जाता है, जब वहाँ से कर्सर हटाते हैं तो वो क्या तो ऑटो हाइड हो जाता है, तो हमें काम करने में दिक्कतें आती, तो ये वापस कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ किसी भी टैब पर दो बार क्लिक कर देना, ठीक है, किसी भी टैब पर दो बार क्लिक कर देना जल्दी जल्दी माउस से, वो भी लेफ़्ट माउस से। देखिए ये मैंने दो बार क्लिक किया तो फिर जैसे था वो वैसा आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये आपका शीट है, इस पूरे को हम लोग स्प्रेड शीट बोलते हैं, इसको याद रखें। एमएस एक्सेल तो सॉफ्टवेयर का नाम है, इसे आप एक्सेल शीट भी बोले तो भी सही है, लेकिन इस शीट को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं। ये बहुत बड़ा शीट होता है, ये आपका शीट 1 है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एमएस एक्सेल में एक ही शीट पे काम होता है, आप चाहें देखें इसके बगल में ये शॉर्टकट बना हुआ है, आप लोगों को बना के लिए दिया गया, इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पर जिस तरीके से आप प्रेस करेंगे उतना ही आपका ये शीट आपका जनरेट हो जाएगा। ये आप देखें
शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपका शीट है, जितना भी आपके रिक्वायरमेंट हो सकता है कि बहुत सारा काम आप ऐसा कर रहे हैं कि जो कि डेट वाइज है, मंथ वाइज है, वीक वाइज है, तो आप यहां से शीट को रिनेम कर सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से एक ही फाइल में आप बहुत सारा शीट आप बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शीट को रिनेम करना है, किस तरीके से हाइड करना है, कि सीरियल नंबर हमें एक्सेल में कैसे लिखना है, या कोई भी अगर हम टेबल तैयार कर रहे हैं, 2 का टेबल हो, 3 का हो, 4 का टेबल हो, वो हम कैसे तैयार करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, अब यहाँ पर हम इंटर मार देते हैं। अब जैसे कि हमें लिखना है 1 से लेकर 50 तक का सीरियल नंबर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। तो मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता ताकि वो बड़ा दिखे, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा नहीं है कि एक्सेल में हमको 3 भी लिखना पड़ेगा, 4 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा, नहीं, इस तरीके से हमें एक्सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना, सिर्फ 1 और उसके बाद वाला जो नंबर है हमें वो यहाँ पर लिखना है दोस्तों। फिर दोनों को इस तरीके से हमें सेलेक्ट कर लेना। अभी आप देखेंगे हमारा यहाँ पर ये ड्रैग का वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनफॉर्चुनेट हमारा भी नहीं आ रहा है, तो ये कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप देख रहे हैं, ये आपका स्टार्ट बटन है, ये ऑफिस बटन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, ये ऑफिस बटन है। यहाँ पर हम किसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन खुल रहा है, यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन है और एग्जिट एक्सेल है। तो ऑफकोर्स अभी हमें एग्जिट नहीं करना, एक्सेल में ही रहना, तो एक्सेल ऑप्शन में हम जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन आने जाने के बाद आई थिंक हमें एडवांस में जाना होगा। हाँ, ये देखिए एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनेबल फील हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये इसको आपको, ये अनचेक किया हुआ है, इसको आपको चेक मार कर देना है। याद रखें आपको कहाँ जाना है, एडवांस में जाना है, और फिर ये जो ऑप्शन ये जो दिया हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप का, इस पर आपको चेक मार कर देना, देन ओके, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आपका ड्रैग का ऑप्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 और 2 दोनों को इस तरीके से लेफ्ट माउस से दोस्तों आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन जो बनता है ये ड्रैग ऑप्शन बनता है, ये देखिए ये प्लस, ऐसा भी प्लस बनता है, लेकिन इससे क्या करते हैं, सिलेक्शन का काम करते हैं। ये आपको ने इसको प्रेस किया, इस तरह सेलेक्ट किया, अब आपको इसको क्या करना है, ये आपको ड्रैग ऑप्शन है, नीचे आपको ड्रैग कर देना। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जितनी तेज़ी से आप माउस को नीचे आप लाते हैं, उतने तेज़ी से आपका नंबर भी यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि 1 to 50 आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे आप आएँगे 46, 49, या आपका 50 हो गया। अगर ज़्यादा भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, हम 50 तक ही लेना है, तो हम क्या करेंगे 51 और 52 को हम लोग यहाँ पर से डिलीट कर देंगे, ठीक है। आइए अब स्क्रॉल करेंगे तो मैं फिर से ऊपर आ गया। तो देखा दोस्तों कि अगर हमें एमएस एक्सेल में अगर नंबर को लिखना हो तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और मैं पॉइंट में जोड़ूंगा, ये तो हो गया, आप काम भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से नंबर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अपन लोग जब काम करते हैं तो ज़्यादा हम लोग का जो शीट होता है वो फार्मूला बेस होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कुछ एरर आ गया तो वो हमें मालूम पड़ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने नंबर लिखा और अनफॉर्चुनेट 4 है, मान के चले गलती से हमने यहाँ 5 टैप कर दिया, तो देखिए बाद का नंबर इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता। क्या किया जाए कि अगर ये गलती हो तो हमें ये पता चल जाए कहीं ना कहीं से, तो ये जो यहाँ पर जो 50 था ये नंबर चेंज हो जाए, ये पूरा वैल्यू ही हमारा ख़राब हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि सीरियल नंबर में आप फार्मूला पुटअप करके आप सीरियल नंबर को आप डालें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि कभी अगर कुछ एरर आ गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और मालूम पड़ जाएगा तो फिर आप उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो क्या करना उसके लिए, ये तो बहुत आसान सा तरीका, मैं भी ऐसे काम करता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पर अगर फार्मूला बेस अगर कोई काम करते हैं तो आपको इस तरीके से सीरियल नंबर ज़रूर लिखना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर हमने ये 1 डाला, अब पहले की तरह यहाँ पर आपको 2 नंबर नहीं डालना है। तो क्या करना है, 2 नंबर आपको फार्मूले से लाना है। तो फार्मूले से दोस्तों कैसे आएगा, यहाँ पर आपको इक्वल टू मारना है। मैंने आपको बताया कि कोई भी फार्मूला जिस सेल में देना हो विदाउट इक्वल टू और विदाउट प्लस के वो नहीं अप्लाई हो सकता, तो यहाँ पर हम इक्वल टू मारेंगे। अब आपको क्या करना दोस्तों, आप देखें यहाँ पर ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमको 1 को जोड़ना है, ये देखिए हमको यहाँ प्रेस कर देना है, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखेंगे इसने B का 4 नंबर को सिलेक्ट किया, तो दो ध्यान में ये बात आती होगी
कि हम जब वन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ पर आपका बी फोर क्यों दिखला रहा है। इसको मैंने पहले ही मैंने बताया दोस्तों कि ये सेल है, ठीक है ना, और एक्सेल सेल को सिलेक्ट करता है। उसके अंदर क्या है, चाहे वो नंबर हो टेक्स्ट हो, एक्सेल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेल वो सेल को सिलेक्ट करता है। इसलिए हमने जो सिलेक्ट किया है वो बी का चार नंबर को, इसलिए यहाँ बी का चार ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर अगर मैंगो लिख देंगे यहाँ पर मैंगो लिख करके आएगा, वो ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ का बी का चार नंबर है, अब देखें यहाँ बी का फोर है। अब हमें क्या करना है, टू लाना है। तो सिंपल से लॉजिक है, इसमें प्लस वन करेंगे तभी तो टू आएगा। तो आपके कीबोर्ड में प्लस दिया हुआ है, अब देखिए इसको मैंने प्लस मारा, अब इसमें वन ऐड कर देंगे। तो ये बी का वन यानी कि वन प्लस वन, अगर आप इंटर मारेंगे आंसर लाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका दो आ गया। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर भी मैंने बताया कि जब आपको इस विदाउट फार्मूला जब आपको नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, वन और टू प्रेस करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करते थे, और इस तरीके दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते थे, ठीक है। इस फॉर्मूले में याद रखें दोस्तों, क्योंकि इसमें आप दोनों को सिलेक्ट नहीं करना दोस्तों, दोनों को सिलेक्ट नहीं करना। अगर दोनों को आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो वन टू टू थ्री थ्री, ये हमारा रिपीट हो गया, तो गलती हो गई। अब कंट्रोल जेड मारेंगे, इसको हम ऑप्शन को अंडू कहते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल जेड मार के हम पीछे अवस्था में आ सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें जब फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, आप देखें यहाँ बी का फोर, या दो बार क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है, ये बताता है कि भाई आपने कहाँ कहाँ पर किस सेल को सिलेक्ट किया दो बार क्लिक करने से। अब वापस आना तो आप स्केप मारें, आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड स्केप दिया हुआ, स्केप से करें। तो सिर्फ आपको दो को आपको ड्रैग करना, वन और टू को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ दो को सिलेक्ट करना। ये आप देखें, ये दो को हमने सिलेक्ट कर रखा ऑलरेडी, अब दो को हम क्या करेंगे, ये ड्रैग करेंगे। जब हम ड्रैग करते हैं, जिस तरीके 50 नंबर तक आना था हम भी वहीं तक आ जाते हैं। ये देखिए मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, आप चाहे तो माउस को तेज़ी से भी ला सकते हैं डाउन में। ये देखिए ये हमारा 50 नंबर। अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि दोनों नंबर तो सेम आया, ऐसा तो नहीं कि ये डिफरेंट है और ये कुछ डिफरेंट है। फ़ायदा है, फ़ायदा क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई अगर गलती हो गई, यहाँ पर अगर डी लिखा गया हमारे कीबोर्ड से अगर प्रेस हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी नंबर आपका चेंजेस नहीं होता है और हमारा वो नंबर ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर हमने फार्मूला लगा करके अगर हमने कोई नंबर को अगर इस तरीके से अगर हमने टाइप किया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर गलती से भी अगर कोई नंबर या टेक्स्ट हमसे टाइप हो जाता है तो उसका वो सारा शक्ल सूरत को ख़राब कर देता है। वो देखिए ये मैंने प्रेस कर दिया, गलती से हो गई, और देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि सारा जो बात का जो नंबर है वो यहाँ पर एरर में बदल गया। और सिंपल सी बात है, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान तो बिल्कुल जाएगा कि अभी तो हमारा नंबर था इसमें क्या हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से आपका गलती हुआ उसके ऊपर वालों को फिर से इसको प्रेस कर देना। तो ये देखा आपका सही हो गया, ये तो हुआ कि टेक्स्ट को आ गया। अगर कोई नंबर हमसे गलती से टाइप हो गया, अगर पाँच है कोई भी नंबर आप मान लें पाँच के अलावा, तो इस पर इसका आपके सीरियल नंबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर हमने छः नंबर गलती से अगर दब गया, अब अगर हम जान रहे हैं कि हमने 50 नंबर थे कि हमने ये काउंट किया है, तो यहाँ पर आपका नंबर बढ़ के 51 हो जाता है। तो दोस्तों ये तो पता चला कि दोनों में बहुत सारे फ़र्क हैं। अगर हम विदाउट फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा ये फिक्स हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और गलती भी हो गई तो पता भी ना चला। लेकिन अगर हम फार्मूला लगा करके, है ना, फार्मूला लगा करके अगर हम सीरियल नंबर अगर हम डालते हैं तो हमको ये फ़ायदा हो सकता है। बाकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से चाहे हम काम कर सकते हैं। अगर माउस ख़राब हो जाए तो फिर आप इसे कैसे लिखोगे, कीबोर्ड से आपको कीबोर्ड से कैसे लिखना है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। जिस तरीके देखिए मैंने भी माउस छोड़ दिया है, ये हमारा कर्सर यहाँ है, ये यहाँ पर एफ़ के पास रखा हुआ है। अब हम कीबोर्ड से आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है कि विदाउट माउस से स्क्रॉल किए बिना आपको यही 50 नंबर डालना, तो क्या करना है, इसी चीज़ को हम करेंगे, लेकिन हम माउस से ड्रैग ना करके कीबोर्ड से करेंगे, लेकिन उसे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तेज़ी से मैं आपको बताता हूँ, जैसे वन है, ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने मारा था इक्वल टू, आप देखिए यहाँ अप एरो है आपके, इसमें इससे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको मैंने प्लस मारा, फिर यहाँ पर वन मारा, फिर यहाँ पर देन इंटर। अब आप देखें यहाँ पर नंबर टू आ गया, जिस मतलब कि माउस से आप इसको ड्रैग कर रहे थे। तो
आपको यहाँ पर अब ड्रैग नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये टू को, सिर्फ टू को सिलेक्ट करना है। तो टू को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हम 50 तक आना, हम 50 तक आ गए और आपको शॉर्टकट की जो होता है इसका कंट्रोल प्लस डी ने प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर ये 50 नंबर आ जाता है। चाहे तो राइट साइड में भी नंबर को आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 डाला, फिर इस तरीके से हमने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ड्रैग किया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डाउन में ही आएगा, आप जिस तरफ ड्रैग करेंगे वो नंबर ऑटोमेटिक वो अपना जनरेट हो जाएगा। अगर आप उल्टा करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसके बाद मैं बिल्कुल आपके ही हिसाब से मैं वीडियो में अपलोड में करने वाला हूँ कि आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर डालें कि वीडियो आपका कैसा लगा। थैंक यू सो मच।